हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर अनबॉक्सिंग इन्फिनिक्स ऑट नाइन प्ले। पहला पॉइंट, क्या ये बजट फ़ोन है और क्या ये इस बजट के अंदर आपको वो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जो आजकल आने वाले न्यू चिपसेट जैसे कि इन्फिनिक्स हैं हुआ वे हैं जो 20K के अंदर आपको इतनी फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको जानना है तो आगे देखते रहिए। तो अगर बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की, तो ये जून 2020 को रिलीज़ हुआ है और जो ये मेगा वेरियंट है ये 4GB 64GB के साथ आता है। प्राइस इज अराउंड 17K to 18K जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इन 20K के अंडर आपको ये आराम से मतलब इजीली मिल जाएगा लोकल मार्केट में। अगर बात करते हैं इसकी मेन हाईलाइट की, तो 6000mAh की बैटरी के साथ आता है। दिस इज़ ह्यूज, 6000mAh मतलब सोच लो फिर आप कितनी बैटरी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अंडर 20K के अंदर ये फ़ोन आपको 4GB और 64GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ प्रोवाइड होता है ये फ़ोन आपको। और आजकल जो इस कैटेगरी के फ़ोन्स हैं वो इधर इतनी अच्छी बैटरी के साथ मिलना थोड़ा मतलब इस प्राइस रेंज में मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी एंड सब चीज़ें देखेंगे तो वो हर चीज़ में नहीं होती हर फ़ोन में, जैसे कि हुआवे आते हैं, इन्फिनिक्स। अब हम चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। आप देख रहे हैं जैसे हमने ये मोबाइल खोला है तो इसके ऊपर कुछ मेन फीचर्स हैं, जैसे कि 6000mAh बैटरी, 6.82 इंच का डिस्प्ले है विच इज़ ह्यूज, जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा और डिस्प्ले भी स्मूथ होगा अगर इतना ह्यूज है। चलो अब बॉक्स खोलते हैं और हमें देखते हैं अंदर क्या मिलता है। तो जैसे कि हमने बॉक्स देख ली खोला है, तो इसके अंदर एक सिम ट्रे टूल है विच इज़ गुड। सैंडविच के अंदर देखते हैं तो हमें आई थिंक कवर मिल जाता है और ये वारंटी के बारे में कुछ है, सब मेन फीचर्स हैं और वारंटी वगैरह के बारे में, तो ये तो नहीं हम पढ़ने वाले। बाकी कवर देख लेते हैं, हमको मिल जाता है ये आई थिंक हार्ड शेल कवर है, तो हम चेक कर लेते हैं। यार हार्ड शेल कवर है, आई थिंक अच्छा कवर है। और देखते हैं कि और क्या अंदर, तो इसी के साथ हमें एक प्रोटेक्टर भी मिल जाता है विच इज़ गुड। और मैं तो ये कहूँगा कि अब इतने पैसे भर रहे हैं तो यार मोबाइल के साथ ये चीज़ें तो आनी चाहिए, नेसेसरी है। आपको चार्जर के साथ चार्जिंग केबल मिलती है, वो माइक्रो USB की है। और इसकी बात कर ली जाए तो 5V 2A का है, तो ये चार्ज होने में टाइम लेगा क्योंकि बहुत ही ह्यूज बैटरी लगी है इसमें, लेकिन चार्ज के बाद आप सुकून से कटेगी क्योंकि 6000mAh बैटरी है भाई, एक दफ़ा चार्ज हो गई फिर तो मज़े ही है, लेकिन चार्ज होने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, फास्ट चार्जिंग नहीं है। हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमें लग रहा है कि 3 कैमराज हैं इसके अंदर, लेकिन नहीं, ये डुअल सेटअप कैमरा है। जो थर्ड कैमरा है वो कैमरा टाइप है लेकिन वो ऑटो फोकस के लिए है। तो अब देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि ऑटो फोकस अच्छा होता है मोबाइल के लिए। डुअल बैक पे आपको दिख रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड किया गया है इस मोबाइल के अंदर, और जैसा कि बैक पे पैटर्न है वैसे ही जो इसका सिलिकॉन केस था, आई मीन हार्ड शेल केस, उस पर भी वैसा ही पैटर्न है, तो वो डिज़ाइन थोड़ा खूबसूरत बन जाता है। तो अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बात कर ली जाए तो ये चिप सेट मीडियाटेक का 67C6D जो कि बेसिकली ऑक्टा कोर का चिप सेट है और मीडियाटेक A25 है, बल्कि ये इतना पावरफुल नहीं है लेकिन ये इतनी बैटरी कंज्यूम नहीं करता जो कि इसकी खासियत है, जब भी 6000mAh की बैटरी के साथ ये प्रोवाइड किया गया, वरना मुझे नहीं लगता कि इनका इतना कॉम्बिनेशन अच्छा बन पाएगा, लेकिन ये प्रोसेसर इतनी बैटरी के साथ कॉम्बिनेशन बेस्ट है, तो जब भी आपको इस तरह का मोबाइल मिल जाए और परफॉर्मेंस गुड होगी क्योंकि बैटरी नहीं इतनी कंज्यूम करेगा। एंड्रॉयड 10 के साथ ही आता है मोबाइल, जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा वो 13 मेगापिक्सल के साथ आता है जो डुअल कैमरा है, और विद ऑटो लाइट सेंसर के साथ आता है ये कैमरा।
जैसे कि आपके सामने मैंने अभी एक स्कूबी डू की पिक्चर खींची है, और मुझे बिल्कुल क्लियर आई थिंक इस प्राइस रेंज में आपको एक अच्छा कैमरा प्रोवाइड करा, मतलब इतना गुड नहीं है लेकिन इस प्राइस रेंज अगर सब चीज़ें देखें तो उसको मिला के खूबसूरत कैमरा प्रोवाइड करा है मैं ओपिनियन। तो वीडियोज़ भी अच्छी शूट हो जाएंगी इससे और पिक्चर्स तो आपके सामने ही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड थैंक यू टू उमर भाई जिन्होंने ये मोबाइल प्रोवाइड किया अनबॉक्सिंग के लिए। तो चलो यार इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं रैप, और मैं आपको मिलूंगा इसी तरह की और इंटरेस्टिंग गेमिंग सीरीज या गेमिंग इक्विपमेंट की अनबॉक्सिंग या इसी तरह की अनबॉक्सिंग। सो दिस इज़ हमदान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।